हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग है। आज की ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की ऐप का काम क्या है दोस्तों? आज की ऐप आपके बहुत काम की है दोस्तों। आपको पता होगा, आपको ही फील हुआ होगा ये चीज़ कि आपके कुछ चार्जर बहुत अच्छे होते हैं जो अच्छे से चार्ज करते हैं फ़ोन को, और कुछ चार्जर बेकार होते हैं ओके दोस्तों, जो चार्ज नहीं करते फ़ोन को। तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा चार्जर बेस्ट है जिससे आपकी बैटरी जो है जल्दी चार्ज हो जाया करे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वो ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसने इसका बता रखा है, मिनिमम हो रखा है -260 mAh और मैक्सिमम हो रखा है -460 mAh। ओके दोस्तों, ये बैटरी का एक तरीके से देखें लेवल, जैसे कि हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है, ये इसका चार्जिंग का टेम्परेचर मान सकते हैं इसे। ओके दोस्तों, अब मैं दोस्तों जैसे ही इसे फ़ोन को चार्जिंग पे लगाऊंगा, देखते हैं क्या इसका इसका जो टेम्परेचर मान लेते हैं, चलिए दोस्तों ये किस तरीके से मैनेज होगा। चलिए मैं इस फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैंने ये चार्जिंग पे लगा दिया तो ये मीजरिंग स्टार्ट हो गई। अब इसने मीज़र करना स्टार्ट कर दिया। अब ये मीज़र करके बताएगा कि क्या ये प्रोवाइड करा रहा, कैसी चार्जिंग ये प्रोवाइड कराएगा। ये थोड़ा, अब देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है। इसने बताया 80 मिनिमम, 150 मैक्सिमम, जो कि काफ़ी गंदा है चार्जिंग के लिए। अब दोस्तों, अब मैं इसे लगाऊंगा दूसरे चार्जर से, तब देखते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं इसे लगा देता हूं दूसरे चार्जर से। दूसरे चार्जर से लगाने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चलिए दोस्तों, दूसरे चार्जर से मैंने लगा दिया। अब देखते हैं मिनिमम कितना हो जाता है, मैक्सिमम कितना हो जाता है। जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी चार्जिंग जल्दी जल्दी होगी। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसने जैसे ही मैंने दूसरे चार्जर से लगाया, इसने 800, और ये अगर आपकी 1500 के आसपास ही पहुँच जाती है तो बहुत अच्छी है। ओके दोस्तों, ये आपको धीरे धीरे बढ़ेगा। देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा अभी देखिए 400 इसका मिनिमम है, 920, और ये जैसे ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और अभी ये आपका देख लीजिएगा 1500 पे भी चला जाएगा। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसे ही चला जाएगा। तो यानी कि ये चार्जर इसके लिए बेस्ट है। ओके दोस्तों, तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सा चार्जर आपके लिए बेस्ट है इस ऐप की मदद से। तो यूज़ कीजिएगा इस ऐप को। इस ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।